बनाने जा रही हूँ थेपला। इसके लिए लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन, कसूरी मेथी, आटा, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, बेसन, हरा धनिया, और ऑयल और नमक और मेथी। अब ये जो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब आटे में मेथी पत्ता डाल रही हूँ। अब हरा धनिया, बेसन, ये 2 चम्मच बेसन था, इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच डालूंगी। अब ये जो पेस्ट बनाई थी ये सारा डाल देंगे। लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच, नमक, डेढ़ चम्मच, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, तेल, ये रिफाइंड ऑयल है, ये 3 चम्मच डालेंगे, और इसको मैश कर लेंगे सारा 1 मिनट तक। हमें मैश कर लेना है सारे जो सामान डाल रखे हैं इनको। अब पानी डाल के इसको, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसी हम एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए ऐसे सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच तेल लगा के इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अब इसको ढक के छोड़ देंगे। अभी 10 मिनट हो गए। अब हम लोइयां तैयार कर लेंगे। अब तवा चढ़ा रखी हूँ गैस पे, तवा गरम हो रहे हैं, तब तक मैं इसकी रोटी बेल लेती हूँ। रोटी के शेप में आकार देना है इसको। अब ये बेल के तैयार हो गया है हमारा थेपला। अब इसको सेक लेंगे। ऑयल लगा के
थोड़ा ऑयल इसमें ज़्यादा ही लगेगा। अब दूसरी थेपला इसको भी बना के तैयार कर लेंगे। वैसे ही ये देखिए कैसे थेपला हमारा तैयार हुआ है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और ये हमारा थेपला रेडी है। इसको हम अचार के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं।